नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल MK Smart Classes में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने भुजा प्रत्याहार वंश की मंडोर शाखा के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अगर आपने हमारी वो क्लासें नहीं देखी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, आप जाकर भुजा प्रत्याहार वंश की सभी क्लासे को नंबर वाइज देखोगे तो दोस्तों ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आएगी। और आज की इस क्लास में हम भुजा प्रत्याहार वंश की भीनमाल शाखा के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि गुजर प्रत्याहार वंश के किस शासक के समय चीनी यात्री आए और किस शासक के समय अरबी यात्री आए, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। तो दोस्तों, आप क्लास को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि जब भी हम क्लास को अपलोड करें तो आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गुजर प्रत्याहार वंश की मोनो तिनेंसी ने सभी शाखाओं को ले गया है। मोनो तिनेंसी ने गुजर प्रत्याहार वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, उल्लेख किया है, जिसमें से प्रमुख शाखे हैं मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज। कन्नौज, ठीक है। गुजर प्रत्याहार वंश की मोनो तिनेंसी ने 26 शाखाओं को उल्लेख किया है, जिसमें प्रमुख शाखा मंडोर, भीनमाल, उज्जैन और कन्नौज है। दोस्तों, मंडोर शाखा को हमने अच्छे से पढ़ लिया है, अब दोस्तों हम भीनमाल शाखा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम गुजर प्रत्याहार की भीनमाल शाखा, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं गुजर प्रत्याहार वंश की भीनमाल शाखा, भीनमाल शाखा। दोस्तों, भीनमाल ये जालौर जिले में आता है, चलो ठीक है, गुजर प्रत्याहार वंश की भीनमाल शाखा। दोस्तों, जैसे कि मंडोर शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था, हरिश्चंद्र, उसी प्रकार से हमारे भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ गुजर प्रत्याहार वंश की भीनमाल शाखा का संस्थापक, संस्थापक या मूल पुरुष भी बोल दो, संस्थापक या आदि पुरुष बोल दो, संस्थापक बोल दो या मूल पुरुष, मूल पुरुष कौन था। दोस्तों, भीनमाल शाखा का जो मूल पुरुष है वो है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम, यानी कि भीनमाल शाखा नागभट्ट प्रथम से शुरू होती है। तो नागभट्ट प्रथम का जो समय काल माना जाता है वो 730 से लेकर 760 तक माना जाता है, यानी कि नागभट्ट प्रथम का जो समय काल माना जाता है वो 730 से लेकर 760 तक माना जाता है। और दोस्तों, जो नागभट्ट प्रथम है इसका जो दरबार था वो नागावलों का दरबार था, यानी कि इनके दरबार को नागावलों का दरबार कहा जाता था, नागावलों का दरबार कहलाता था। नागभट्ट प्रथम का जो दरबार था वो नागावलों का दरबार कहलाता था। दोस्तों, नागभट्ट प्रथम की उच्च उपाधियां हैं, नागभट्ट प्रथम की, नागभट्ट प्रथम की उपाधियां कादियां। दोस्तों, नागभट्ट प्रथम की कुछ उपाधियां हैं, इनको नारायण मूर्ति भी कहा जाता था, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति, इनको राम मूर्ति, राम मूर्ति। नागभट्ट प्रथम को प्रत्यारों का राम भी कहा जाता था, प्रत्यारों का राम। और दोस्तों, नागभट्ट प्रथम को इंद्र का दंभ
दम का नाशक भी कहा जाता था, दम का नाशक नाशक भी कहा जाता था। नागपुर पर तुमको मलेशियो का नाशक भी कहा जाता था, मलेशियो का मलेच्छो मले छो का नाशक भी कहा जाता था, नाशक भी कहा जाता था। यानी कि दोस्तों गुजर प्रत्यार वंश की जो भीलमाल शाखा है, भीलमाल शाखा का जो संस्थापक संस्थापक या मूल पुरुष कौन था, नागपुर प्रथम था। यानी कि दोस्तों भीलमाल शाखा है जो नागपुर प्रथम से शुरू होती है, ठीक है। और दोस्तों नागपुर प्रथम का जो दरबार था उसे नागावलों का दरबार कहलाता था, ठीक है। और दोस्तों नागपुर प्रथम की कुछ उपाधियां हैं जैसे नारायण मूर्ति, राम मूर्ति, प्रतिहरों का राम। नागपुर प्रथम को इंद्र का दम का नाशक भी कहते थे, और नागपुर प्रथम को मलेच्छों का नाशक भी कहा जाता था। क्योंकि दोस्तों इनके समय नागपुर प्रथम के समय जुनैद खां बाहरी आक्रमण कर रहा था। जुनैद खां दोस्तों जुनैद खां ने भारत पर आक्रमण किया था, तो दोस्तों नागपुर प्रथम ने इस जुनैद खां के आक्रमण को विफल कर दिया था, आक्रमण को विफल कर दिया था। यानी दोस्तों नागपुर प्रथम को मलेशिया का नाशक क्यों कहा जाता था, क्योंकि दोस्तों जुनैद खां ये बाहरी आक्रमणकारी था, इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों नागपुर प्रथम ने इस जुनैद खां के आक्रमण को विफल कर दिया था, इसलिए दोस्तों इसको मलेशिया का नाशक भी कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों नागपुर प्रथम के बारे में और आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों ये नागपुर प्रथम है उनके समय भारत में, यहाँ पर मैं भारत का नक्शा बना देता हूँ। तो दोस्तों नागपुर प्रथम के समय भारत में यहाँ पर दक्षिणी भाग में राष्ट्रकूट वंश था, यहाँ पर एक राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है। और दोस्तों इस राष्ट्रकूट वंश का जो यहाँ पर जो शासक था वो कौन था, दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। और इस हमारे राजस्थान क्षेत्र में यहाँ पर कौन था, प्रतिहार, प्रतिहार, ठीक है। और हमारे प्रत्यास शासक भीलमाल का शासक कौन था, नागपुर प्रथम। तो दोस्तों नागपुर प्रथम के समय भारत में जो दक्षिण से भाग है उसमें यहाँ का शासक था दंती दुर्ग, ये राष्ट्रकूट शासक था। दोस्तों इस दंती दुर्ग के कुछ संतान नहीं थी, ठीक है। इस दंती दुर्ग राष्ट्रकूट जो शासक था दंती दुर्ग, इसके कुछ संतान नहीं थी। तो दोस्तों इसने यहाँ पर उज्जैन में, इसने उज्जैन अवंती उज्जैन में यहाँ पर इसने एक यज्ञ कराया, इसने एक यज्ञ कराया। कौन सा यज्ञ, हिरण्य गर्भदान, हिरण्य गर्भदान। दंती दुर्ग ने उज्जैन में एक यज्ञ करवाया था, हिरण्य गर्भदान यज्ञ, ठीक है। यानी कि दोस्तों भारत में दक्षिण क्षेत्र में राष्ट्रकूट शासक था कौन था, दंती दुर्ग। तो दोस्तों दंती दुर्ग ने अपने इनके कोई संतान नहीं थी, तो दोस्तों इस दंती दुर्ग ने उज्जैन में एक यज्ञ करवाया था, अब संतान पाने के लिए एक यज्ञ करवाया था, हिरण्य गर्भदान यज्ञ। दोस्तों इसने यज्ञ करवाया था उज्जैन में, और उज्जैन में यज्ञ करवाया था तब दोस्तों भारत के सभी राजाओं को इस दंती दुर्ग ने बुलाया था, ठीक है। उसमें माना जाता है कि नागपुर प्रथम को भी इस उज्जैन में यज्ञ करवाया था, हिरण्य गर्भदान यज्ञ में, तो इस नागपुर प्रथम को भी बुलाया था। लेकिन दोस्तों माना जाता है कि नागपुर प्रथम को जब बुलाया था तो इस नागपुर प्रथम को द्वारपाल के रूप में बुलाया था, यानी कि नागपुर प्रथम को द्वारपाल की हैसियत से बुलाया था, ठीक है। तो दोस्तों भारत के सभी राजा यहाँ पर आए थे उज्जैन में, हिरण्य गर्भदान यज्ञ में, और नागपुर प्रथम भी यहाँ पर उज्जैन में पहुंचा था, यह द्वारपाल की हैसियत में आया था। तो दोस्तों इस नागपुर प्रथम ने इस यज्ञ में द्वारपाल के रूप में अच्छी भूमिका निभाई। यानी कि दोस्तों दंती दुर्ग ने नागपुर प्रथम को द्वारपाल के रूप में बुलाया था, यानी द्वारपाल की हैसियत में बुलाया था, लेकिन नागपुर प्रथम ने इस यज्ञ में अच्छी भूमिका निभाई द्वारपाल के रूप में। तो दोस्तों दंती दुर्ग इस नागपुर प्रथम से खुश हो गया था। तो दोस्तों इसकी एक बहन थी, दंती दुर्ग की एक बहन थी कनकावती, कनकावती, ठीक है।
दोस्तों ये दंती दुर्ग इस नाग पर्वत से इतना खुश हो गया था कि दोस्तों इनकी एक बहन थी कनकावती, तो कनकावती के साथ इस नाग पर्वतम की शादी करवा दी थी और साथ में नाग पर्वतम को दहेज में उज्जैन और अवंती, उज्जैन और अवंती दहेज में दे दिया था दंती दुर्ग ने, ठीक है, ये दहेज में दे दिया था। तो दोस्तों ये जो मैंने जितनी भी जानकारी बताई ये दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको पूछ ले कि नाग पर्वतम के समय कौन सा यज्ञ करवाया था, तो हिरण्य गर्भधारण यज्ञ, ठीक है। और दोस्तों नाग पर्वतम के समय दक्षिणी राष्ट्रकूट कौन सा शासक था, तो दंती दुर्ग था, ठीक है। और दोस्तों दंती दुर्ग ने नाग पर्वतम को क्या दिया था, तो उज्जैन और अवंती दहेज में दिया था, ठीक है। और दोस्तों जब इनकी शादी हो गई थी नाग पर्वतम की कनकावती के साथ, तो दोस्तों नाग पर्वतम ने अवंती या उज्जैन को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए कि अवंती या उज्जैन को सर्वप्रथम कुजप्रत्याय वंश के कौन से शासक ने अपनी राजधानी बनाया था, तो दोस्तों हो जाएगा वह नागपुर प्रथम, ठीक है। तो दोस्तों गुजप्रत्याय वंश की जो बेलमाल शाखा का जो संस्थापक या मूल पुरुष था वो कौन था, नागपुर प्रथम। इसका समय काल क्या था, 730 से 760 तक, ठीक है। और नागपुर प्रथम का जो दरबार था उसे नागावलों का दरबार कहते थे, ठीक है। दोस्तों नागपुर प्रथम की कुछ उपाधियां हैं जिसे नारायण मूर्ति, राम मूर्ति, प्रतिहारों का राम, इंद्र का दम का नाशक, हमलेश्वर का नाशक भी नागपुर प्रथम को कहा जाता था, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं के समय नागपुर प्रथम के समय दंती दुर्ग ने हिरण्य गर्भधारण यज्ञ करवाया था, ठीक है। और हिरण्य गर्भधारण यज्ञ में नागपुर प्रथम ने भी भाग लिया था और ये इसने द्वारपाल के रूप में भाग लिया था, ठीक है, द्वारपाल की हैसियत में भाग लिया था। और दोस्तों इस यज्ञ में दंती दुर्ग नागपुर प्रथम से काफी उत्साहित हो गया था, तो दोस्तों मतलब ज्यादा काफी ज्यादा प्रसन्न हो गया था। तो दंती दुर्ग ने अपनी बहन कनकावती की शादी इस नागपुर प्रथम से करवा दी थी। और जब उज्जैन में इसे यज्ञ करवाया था उज्जैन में, तो दोस्तों साथ में इनको शादी के साथ इसमें दहेज में इनको अवंती और उज्जैन को दहेज में दे दिया था, ठीक है। तो दोस्तों नागपुर प्रथम ने बाद में भीलमाल से अपनी राजधानी अवंती और उज्जैन को राजधानी बना लिया था। तो दोस्तों अब और आगे हम पढ़ते हैं कि भीलमाल शाखा का जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, यानी नागपुर प्रथम के बाद कौन शासक बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों गुजप्रत्याय वंश की जो भीलमाल शाखा का जो संस्थापक था वो कौन था, नागभट प्रथम। उसके बाद दोस्तों शासक बनता है कुस्त, ठीक है। उसके बाद शासक कौन बनता है, ककुस्त। जो ककुस्त का जो शासन का समय माना जाता है वो दोस्तों माना जाता है 760 से लेकर 780 तक माना जाता है, ठीक है। दोस्तों ककुस्त के बारे में और कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन इनकी एक जानकारी है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ककुस्त को दोस्तों गुज प्रत्यार वंश का कर्ण कहा जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में हर बार प्रश्न पूछा जाता है कि गुजप्रत्याय वंश का कर्ण किसका जाता है, तो दोस्तों ककुस्त को कहा जाता है, ठीक है। इसका शासनकाल का समय माना जाता है 760 से 780 ईस्वी। दोस्तों ककुस्त के बाद जो अगला शासक बनता है वो कौन बनता है, देवराज, ठीक है। सर्वप्रथम भीलमाल शाखा का शासक कौन था, नागपुर प्रथम। उसके बाद कौन शासक बनता है, ककुस्त। ककुस्त के बाद शासक कौन बनता है, देवराज। दोस्तों देवराज की कोई भी जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। तो देवराज के बाद शासक कौन बनता है, वत्सराज, ठीक है। देवराज के बाद शासक कौन बनता है, वत्सराज। तो दोस्तों अब हम वत्सराज के बारे में पढ़ते हैं, तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो दोस्तों भीलमाल शाखा में अगला शासक बनता है हमारे वत्सराज। दोस्तों वत्सराज का जो शासनकाल का समय माना जाता है वो समय माना जाता है 780 से लेकर 795, ठीक है। वत्सराज के जो शासनकाल का समय माना जाता है वो 780 से लेकर
795 तक माना जाता है। और दोस्तों वसराज के पिता का क्या नाम था? तो वसराज के पिता का क्या नाम था? देवराज। पिता कौन थे? देवराज प्रतिहार। इसके डेड थे यानी इसके पापा देवराज थे। और इसकी मदर, इसकी माता का क्या नाम था? दोस्तों ये भी याद रखना, क्योंकि दोस्तों वसराज एक शक्तिशाली शासक था, तो दोस्तों इसके माता का नाम भी याद रखना जरूरी है। इसकी माता का नाम था भूमिका देवी, भूमिका देवी, ठीक है। इसके पापा का नाम था देवराज और मम्मी का नाम था भूमिका देवी, ठीक है। दोस्तों वसराज की उपाधि है रणहस्ती, ठीक है, रणहस्ती। दोस्तों इसके बारे में हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि हर रणहस्ती उपाधि किसकी है, ठीक है। तो दोस्तों रणहस्ती उपाधि किसकी है? ये है वसराज की। रणहस्ती का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध का हाथी, युद्ध का हाथी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब भी वसराज युद्ध करने जाता था तो दोस्तों ये युद्ध में विकराल रूप धारण कर लेता था, ठीक है। इसलिए दोस्तों इनको रणहस्ती की उपाधि दी थी। और दोस्तों वसराज ब्राह्मण और हिंदू का रक्षक था, ठीक है। वसराज ब्राह्मण और हिंदू का रक्षक था, इसलिए दोस्तों इनको जयवराह की उपाधि दी थी, जयवराह, ठीक है। इनको एक जयवराह की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो दोस्तों ये उपाधि दुग्गिल ब्राह्मण ने दी थी, ठीक है। वसराज को जयवराह, दोस्तों एक आएगा आद्यवराह और यहाँ पर है दोस्तों जयवराह। तो दोस्तों जयवराह उपाधि किसकी है? वसराज की। और दोस्तों आदिवराह जो उपाधि है वो किसकी है? वो मीरभोज फर्स्ट की है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है। जयवराह उपाधि किसने दी थी? तो ये दोस्तों इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि दोस्तों जयवराह उपाधि दुग्गिल ब्राह्मण था, इसने उपाधि वसराज को दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि दोस्तों ये हिंदू और ब्राह्मण का रक्षक था, इसलिए इनको जयवराह की उपाधि दी थी। और दोस्तों जो वसराज जो शासक हैं ये दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो वसराज शासक हैं इसी के समय भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष युद्ध शुरू हुआ था। अगर दोस्तों प्रश्न आ जाए कि कौन से शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था गुजर प्रतिहार वंश से, तो दोस्तों वो है हमारे वसराज। तो दोस्तों वसराज एक ऐसा शासक है जिसके समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। तो दोस्तों वसराज के समय क्या समय समय त्रिपक्षीय संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था, ठीक है। सो गुजर प्रतिहार वंश के कौन से शासक ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? तो सर्वप्रथम वो है हमारे वसराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। दोस्तों ये वसराज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा हर बार एग्जाम प्रश्न आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में सर्वप्रथम कौन से शासक ने भाग लिया था, तो दोस्तों वो है हमारे वसराज, ठीक है। दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर मैं चित्र बनाकर समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं चित्र बनाता हूँ। तो दोस्तों ये तो है हमारे भारत, दोस्तों ये हमारे राजस्थान। तो दोस्तों इस समय इस क्षेत्र में हमारे कौन से शासक थे? प्रतिहार। और दोस्तों ये है बंगाल। तो बंगाल में दोस्तों कौन सा शासक था, कौन सा वंश था? तो दोस्तों यहाँ पर पाल वंश था, ठीक है। और दोस्तों ये दक्षिण क्षेत्र, ये दोस्तों इस दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण में दोस्तों कौन सा क्षेत्र था, कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है। दोस्तों प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसको लेकर? दोस्तों यहाँ पर एक क्षेत्र है कन्नौज, ठीक है, कन्नौज को लेकर।
ये कनौज कहाँ आता है दोस्तों? ये यूपी में आता है, उत्तर प्रदेश में। दोस्तों इन तीनों ने इस कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू किया था। दोस्तों ये कनौज के लिए क्यों किया था? क्योंकि दोस्तों ये कनौज एक शिक्षा का अच्छा क्षेत्र था, व्यापार के लिए दोस्तों भी एक अच्छा स्थान था, इसलिए दोस्तों प्रथियार और पालवंश और राजकूट इन तीनों के मध्य त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। तो प्रथियार और पालवंश और राजकूट वंश इन तीनों के मध्य जब त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था तो कनौज का शासक कौन था दोस्तों? तो उस समय कनौज का शासक था इंद्रायुद्ध, इंद्रायुद्ध, ठीक है, कनौज का शासक था इंद्रायुद्ध। दोस्तों इंद्रायुद्ध से पहले यहाँ पर कनौज का शासक था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दोस्तों कनौज एकदम बिल्कुल अनाथ हो गया था, ठीक है। वो जब उनका छोटा सामान था इंद्रायुद्ध, तो दोस्तों इंद्रायुद्ध इस कनौज का शासक बन गया था। तो दोस्तों उस समय हमारे वस्त्रराज भीमालशाह का जो शासक था वस्त्रराज, तो वस्त्रराज ने इस इंद्रायुद्ध पर आक्रमण किया था, ठीक है, इस इंद्रायुद्ध पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में इस इंद्रायुद्ध को हरा दिया था, ठीक है, इस इंद्रायुद्ध को हरा दिया था। और दोस्तों ये इंद्रायुद्ध हार का दोस्तों ये जो पालवंश शासक है यहाँ पर कौन है? धर्मपाल। तो दोस्तों ये इंद्रायुद्ध धर्मपाल के शरण में चला गया, ठीक है, और ये फिर धर्मपाल के शरण में चला गया, और फिर बाद में ये धर्मपाल और इंद्रायुद्ध ये दोनों मिलकर आते हैं दोस्तों वस्त्रराज से लड़ने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों वस्त्रराज और धर्मपाल के मध्य एक युद्ध होता है, वो दोस्तों हमारा युद्ध होता है मुंगेर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है दोस्तों? मुंगेर का युद्ध, ठीक है, यही कनौज पर दोस्तों यहाँ पर एक क्षेत्र है दोस्तों मुंगेर। तो दोस्तों धर्मपाल और हमारे वस्त्रराज के मध्य एक युद्ध होता है मुंगेर का युद्ध। दोस्तों इस मुंगेर के युद्ध में हमारे मंडोर शासक कौन था उसमें? वस्त्रराज का सामंत था, कौन था? कक। मुंगेर के युद्ध में कक, ठीक है, कक ने भी इस मुंगेर के युद्ध में भाग लिया था। तो मुंगेर का युद्ध हुआ था वस्त्रराज और धर्मपाल के मध्य, और दोस्तों वस्त्रराज के जो सामंत था कक, वो भी इस समय मुंगेर के युद्ध में आया था। तो दोस्तों इस मुंगेर के युद्ध में इस धर्मपाल को हरा दिया था। तो दोस्तों मुंगेर के युद्ध में यहाँ पर मैं लिखता हूँ धर्मपाल पाल को हरा दिया था, ठीक है। तो दोस्तों धर्मपाल है जो मुंगेर के युद्ध में हार गया था, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जो वस्त्रराज शासक बन जाता हमारे कनौज का, तो कनौज का शासक कौन बनता है दोस्तों? वस्त्रराज। लेकिन दोस्तों इतने में दोस्तों जो दक्षिणी राजकूट वंश है यहाँ पर इसका शासक कौन था? राजकूट वंश का शासक था हमारे यहाँ पर ध्रुव। तो दोस्तों ये बात ध्रुव को पता चलता है कि वस्त्रराज ने इंद्रायुद्ध और धर्मपाल को हरा दिया था। तो दोस्तों इसे ध्रुव ने फिर बाद में इस वस्त्रराज पर आक्रमण किया, ठीक है, कनौज पर। तो दोस्तों इस ध्रुव ने आक्रमण किया तो दोस्तों इनके मध्य वस्त्रराज और ध्रुव के मध्य घमासान युद्ध होता है, ठीक है, भारी युद्ध होता है। लेकिन दोस्तों वस्त्रराज समझ जाता है कि हम ध्रुव को हरा नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये शक्तिशाली वंश था राजकूट। तो दोस्तों ये वस्त्रराज हार जाता है और दोस्तों ये कनौज को छोड़कर दोस्तों वापस जालौर आ जाता है, ठीक है, वस्त्रराज जालौर आकर शरण लेता है, जालौर में शरण लेता है, ठीक है, यानी कि दोस्तों वस्त्रराज बोलता है कि मारे कनौज नहीं साबे, मारे जालौर ही ठीक है। तो दोस्तों वस्त्रराज ने जालौर में आकर शरण ली थी, ठीक है, शरण ली थी। तो दोस्तों मेरे हिसाब को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यानी कि भीलवाड़ शाखा का जो सर्वप्रथम शासक कौन था? नागपुर प्रथम। उसके बाद शासक कौन बनता है? ककुस्त। ककुस्त के बाद दोस्तों आता है शासक देवराज, और देवराज के बाद दोस्तों आता है वस्त्रराज, ठीक है। वस्त्रराज का शासक का माना जाता है 785। वस्त्रराज के पिता का नाम क्या था? देवराज, ठीक है, देवराज प्रत्याहार। उसकी माता का नाम था बोईका देवी, और दोस्तों वस्त्रराज को एक उपाधि दी थी रणहस्तिन की उपाधि, ठीक है। रणहस्तिन का अर्थ होता है दोस्तों युद्ध का हाथी, यानी कि जब भी दोस्तों वस्त्रराज युद्ध लड़ने जाता था तो दोस्तों विकराल रूप धारण कर लेता था, इसलिए दोस्तों उनको एक उपाधि दी थी रणहस्तिन उपाधि, ठीक है। और दोस्तों वस्त्रराज को एक उपाधि और दी थी जयवरा की उपाधि, एक किसने दी थी? दुग्गिल ब्राह्मण ने दी थी। क्यों दी थी? क्यों दोस्तों वस्त्रराज जो ब्राह्मण और हिंदू का रक्षक था, इसलिए दोस्तों दुग्गिल ब्राह्मण ने इनको जयवरा की उपाधि दी थी। दोस्तों एक आएगा हमें आगे पढ़ेंगे जब, वो आएगा दोस्तों आदिवरा। तो दोस्तों आदिवरा उपाधि किसकी है? आदिवरा उपाधि है वो महीर भोज की, प्रथम की है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
और दोस्तों वर्ष राज के समय दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था। किन किन के मध्य? प्रत्यार, पालवंश और राजकुट वंश। प्रत्यार में हमारा कौन था? प्रत्यार वंश में कौन था? हमारे वसराज। और पालवंश में कौन था? हमारे धर्मपाल। और राजकुट वंश में कौन था? हमारे ध्रुव। ठीक है, इन तीनों के मध्य दोस्तों किनको लेकर युद्ध होता है? दोस्तों कनौज, कनौज को लेकर, क्योंकि दोस्तों ये कनौज शिक्षा का अच्छा केंद्र था, ठीक है, और व्यापार की दृष्टि से दोस्तों अच्छा केंद्र था, इसलिए दोस्तों वसराज, धर्मपाल और ध्रुव के मध्य इससे कनौज को लेकर युद्ध होता है। ठीक है, सर्वप्रथम दोस्तों वसराज ने यहाँ पर कनौज का शासक था इंद्रजीत, इससे पहले यहाँ पर शासक था कौन था? हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद दोस्तों इनका एक छोटा सामान था इंद्रजीत। दोस्तों इंद्रजीत यहाँ पर कनौज का शासक था, लेकिन ये कमजोर शासक था। ठीक है, तो वसराज इसको हरा कर कनौज पर आ जाता है, और दोस्तों ये इंद्रजीत वसराज से हार कर दोस्तों ये धर्मपाल के शरण में चला जाता है, और दोस्तों धर्मपाल और इंद्रजीत ये दोनों मिलकर दोस्तों वापस वसराज पर, वसराज के लिए आक्रमण के लिए आ जाता है। कौन से युद्ध में? मंगल युद्ध में। और दोस्तों वसराज मंगल युद्ध में भी लड़ने जाता है, और दोस्तों वसराज के साथ में मंडोर का शासक था कक, वो भी मुंगेर के युद्ध में लड़ने जाता है। और दोस्तों वसराज इस मुंगेर के युद्ध में धर्मपाल को हरा देता है, ठीक है, और कनौज पर शासक मतलब अधिकार जमा लेता है। लेकिन दोस्तों इतने में दोस्तों ध्रुव को पता चलता है कि वसराज ने कनौज पर मतलब अपना अधिकार कर लिया है, तो दोस्तों ये ध्रुव है जो वसराज पर वापस आक्रमण करता है। ठीक है, और दोस्तों इस वसराज और ध्रुव के मध्य घमासान युद्ध होता है, उस दोस्तों घमासान युद्ध होता है, उसमें से दोस्तों वसराज समझ जाता है कि हम ये ध्रुव को हम नहीं हर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये शक्तिशाली वंश था। ठीक है, तो दोस्तों वसराज समझ जाता है कि हम ध्रुव को नहीं हरा पाएंगे, और दोस्तों ये वसराज यहाँ से कनौज से वापस दोस्तों जालौन में आकर दोस्तों ये शरण ले लेता है। और दोस्तों वसराज के बारे में और आगे बढ़ते हैं तो इसको मैं मिटा देता हूँ। दोस्तों वसराज के दो दरबारी थे, एक तो है उद्योधन सूरी, ठीक है, एक है जिनसेन सूरी। ठीक है, वसराज के दो दरबारी थे, ये कौन से दरबारी थे? जैन दरबारी थे। वसराज के दो जैन दरबारी थे, एक तो उद्योधन सूरी, एक जिनसेन सूरी। उद्योधन सूरी ने दोस्तों एक ग्रंथ लिखा था, वो है कुवलयमाला। ठीक है, और जिनसेन सूरी का एक ग्रंथ है, कौन सा है? हरिवंश पुराण। दोस्तों वसराज के दो जैन दरबारी थे, एक तो उद्योधन सूरी और एक जिनसेन सूरी। उद्योधन सूरी ने कुवलयमाला ग्रंथ लिखा था, ठीक है, जिनसेन सूरी ने हरिवंश पुराण ग्रंथ लिखा था। दोस्तों ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कुवलयमाला ग्रंथ किसने लिखा था? उद्योधन सूरी ने, और हरिवंश पुराण किसने लिखा था? जिनसेन सूरी ने। ठीक है, और दोस्तों एक बार ऐसा भी प्रश्न आया था, कुवलयमाला ग्रंथ उद्योधन सूरी ने कहाँ लिखा था? तो दोस्तों ये कुवलयमाला जो ग्रंथ है ये भीनमाल में लिखा था, भीनमाल जालौर में लिखा था। ठीक है, जालौर में लिखा था। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और दोस्तों वसराज ने ओसिया में ओसिया कहाँ था दोस्तों? हमारे ये हमारा ओसिया आता है हमारे जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में ओसिया में दोस्तों इन्होंने वसराज ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, जैन मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो दोस्तों वसराज के समय दो जैन दरबारी थे, कौन कौन थे? उद्योधन सूरी और जिनसेन सूरी। उद्योधन सूरी जो इन्होंने ग्रंथ लिखा था कुवलयमाला ग्रंथ, वो कहाँ लिखा था? भीनमाल जालौर में लिखा था। ठीक है दोस्तों कुवलयमाला ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, इसको दोस्तों आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये कहाँ लिखा था? भीनमाल जालौर में लिखा था। और दोस्तों ये कुवलयमाला ग्रंथ है, इसमें दोस्तों मरुस्थल क्षेत्र है ना,
तो कोलामाला में इस मरुस्थल क्षेत्र को क्या नाम दिया था दोस्तों? इसे मरुस्थल क्षेत्र को कोलामाला में मरु नाम दिया है, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान में रखना, कोलामाला में मरुस्थल क्षेत्र को, मरुस्थल जो क्षेत्र है क्षेत्र को मरु नाम दिया है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये हर बार एग्जाम प्रश्न आता है, मरु नाम दिया है, ठीक है। दूसरा जैन दरबारी कौन था? जिनसेन सूरी। इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? हरिवंश पुराण ग्रंथ, ठीक है, ये दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट है, हरिवंश पुराण किसने लिखा था? जिनसेन सूरी ने। और दोस्तों वसराज ने ओंसिया जोधपुर में जैन मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि ओंसिया को दोस्तों राजस्थान का, ओंसिया को दोस्तों राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहा जाता है, भुवनेश्वर भी कहा जाता है, भुवनेश्वर भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, कहा जाता है राजस्थान का भुवनेश्वर, किसे कहा जाता है? ओंसिया को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों वसराज ने जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, और दोस्तों ये जैन मंदिर है ना, ये भी इनको भी ध्यान रखना, ये पश्चिम भारत का, ये पश्चिमी भारत का प्राचीन जैन मंदिर है, प्राचीन जैन मंदिर है, जैन मंदिर है, ठीक है। अब दोस्तों गुजरपतिया वंश की भीनमाल शाखा के बारे में और आगे पढ़ते हैं, तो इसको मैं मिटाता हूँ। तो दोस्तों गुजरपतिया वंश की भीनमाल शाखा में सर्वप्रथम हमने पढ़ा था नागभट्ट प्रथम, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ा था ककुस्त, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैंने पढ़ा था देवराज, और देवराज के बाद दोस्तों मैंने पढ़ा था वत्सराज, ठीक है। और दोस्तों वत्सराज के बाद हमारे शासक आता है, कौन आता है? नागभट्ट, ठीक है। नागभट्ट प्रथम भीनमाल शाखा का संस्थापक या मूल पुरुष, नागभट्ट प्रथम भीनमाल शाखा का संस्थापक या मूल पुरुष कहलाता है। नागभट्ट प्रथम की उपाधियां हैं जैसे प्रतिहारों का राम, नारायण मूर्ति, राम मूर्ति, इसको मलेश्वर का नाशक भी कहा जाता है, और इनको नागभट्ट प्रथम को इंद्र का दम का नाशक भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे ककुस्त, ककुस्त दोस्तों ये प्रतिहारों का कर्ण कहलाता है, प्रतिहारों का कर्ण, ठीक है। प्रतिहारों का कर्ण किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ककुस्त को कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आता है देवराज, ठीक है। देवराज के बाद आता है हमारे दोस्तों वस्त्रराज, ठीक है। वस्त्रराज की एक उपाधि है, इम्पोर्टेंट है, रणहस्तिन उपाधि किसकी है? ये वस्त्रराज की है, ठीक है। वस्त्रराज के समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है कि कौन से प्रतिहार वंश के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ था? तो वो है वस्त्रराज, ठीक है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष ये लगभग 150 वर्ष से चला था, ठीक है। ये त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये 150 वर्ष चला था। शुरुआत किसके समय थी हुई? ये वस्त्रराज के समय हुई थी, ठीक है। और दोस्तों वस्त्रराज ये उपाधि वाले जयवरा, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। जयवरा उपाधि किसकी है? ये है वस्त्रराज की। एक दोस्तों आएगा आदिवरा, ठीक है, आदिवरा उपाधि किसकी है दोस्तों? ये हमारे मेहर भोज प्रथम की उपाधि है, ठीक है। और जयवरा उपाधि किसकी है? वसराज की, ठीक है। तो दोस्तों वसराज के बाद हमारा जो अगला शासक बनता है कौन बनता है? नागभट्ट द्वितीय। तो दोस्तों अगले क्लास में हम भीनमाल शाखा में नागभट्ट सेकंड के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। दोस्तों क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।